विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर चौथे दिन भी हंगामा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री के सदन में वक्तव्य देने पर बनी सहमति के बाद सुचारू रूप से चला सदन। झारखंड हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल के दौरान हुई 28 मरीजों की मौत के मामले पर रिम्स से मांगा जवाब। भुरकुंडा में प्रदूषण के मामले पर सरकार और बोर्ड से मांगी गई रिपोर्ट। सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के चयनित भारतीय टीम में झारखंड के 7 खिलाड़ियों को मिली जगह। बांग्लादेश के ढाका में 18 से 23 मार्च तक होगा टूर्नामेंट। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ हुई तेज बारिश, अगले 3 दिनों में भी कई जगहों पर बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी, अडानी समूह और अन्य मुद्दों को लेकर आज फिर बाधित हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। उधर राज्यसभा में भी इसी प्रकार की स्थिति रही। माफी की मांग की, वहीं विपक्ष ने हिंडनबर्ग मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से संसद को सुचारू तौर पर चलाने का आग्रह किया। बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, क्या उचित है ये? आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं, गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने लंदन में राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र, न्यायपालिका और राष्ट्र का अपमान किया है। ये लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। उधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लंदन में लोकतंत्र के बारे में की गई उनकी टिप्पणी के लिए आज फिर से माफी मांगी। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि संसद का अपमान करने के लिए माफी मांगने की बजाय कांग्रेस नेता अन्य सांसदों और लोकसभा अध्यक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं। संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने आज चौथे दिन भी हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को पहली पाली में 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच ही उन्होंने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की और किसी तरह 3 प्रश्नों का उत्तर करा पाए। स्वास्थ्य विभाग की ट्रांसफर पोस्टिंग में कार्यपालिका नियमावली की अनदेखी के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय के बीच नोकझोंक हुई। विधायक सरयू राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमावली की अनदेखी की गई है। विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर पिछले कई दिनों से जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने अपने कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में काफी देर चर्चा करने के बाद यह सहमति बनी कि मुख्यमंत्री चलते बजट सत्र में नियोजन नीति पर अपना वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही सरहुल के दिन होने वाले सदन की बैठक की तिथि बदलने पर भी सहमति बनी तथा सदन को सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया गया। भोजनावकाश के बाद कार्य मंत्रणा समिति में बनी सहमति के अनुसार सुचारू रूप से सदन चला और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई।
जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने सुझाव सरकार को दिए। अपने विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य का संघर्ष जल, जंगल और जमीन को लेकर किया गया था। इसे ध्यान में रखकर वर्तमान सरकार राज्य के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रही है। भूगर्भ जल की बात कर रहे थे तो हमारे यहाँ मात्र 6-7 नदियां ही ऐसी हैं, जिसमें सालों भर जिससे पानी मिल पाता है। तो हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य की जनता को भूगर्भ जल पर भी निर्भर होना पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम सतही जल स्रोत का ज्यादा से ज्यादा दोहन करके और बड़ी योजनाओं के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके, और उस पर हम तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। लातेहार पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के शांति जंगल से भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर शीतल मोची को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक लोडेड पिस्तौल, 25 जिंदा गोली तथा 10,000 रूपये नकद भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार उग्रवादी पर 5,00,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार उग्रवादी लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर गांव का रहने वाला है। यह विभिन्न थाना क्षेत्रों में 25 से अधिक नक्सली घटनाओं का मुख्य अभियुक्त है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में जून 2018 में जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल के दौरान हुई 28 मरीजों की मौत के मामले में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन से जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज झारखंड छात्र संघ की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने रामगढ़ के भुरकुंडा में कोयला एवं लौह अयस्क ट्रांसपोर्टेशन एवं अवैध माइनिंग से हो रहे प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में उठाए गए कदम पर 27 मार्च को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को रांची की विधि व्यवस्था से अवगत कराया। खूंटी क्लब के सभागार में आज गैर सरकारी संस्था अल्मा मेटर के तत्वाधान में जिले के एसटीएससी दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद के जिला प्रतिनिधि मनोज कुमार ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के बेहतर जीवन यापन के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र में केंद्रीय मंत्री इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि आप अपने जिला में, देश के जिला में हर तरह के लोग का सहयोग किस प्रकार करते रहना है, जिनके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए जिनमें सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को चरितार्थ करते हुए आर्मा मेटर लगातार आपके बीच काम कर रही है। इटखोरी बाल विकास परियोजना कार्यालय की महिला पर्यवेक्षक उर्मिला कुमारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 7,500 रूपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पथलगढ़ा प्रखंड अंतर्गत कुब्बा आंगनबाड़ी सेविका मीना बाला और मरंगा आंगनबाड़ी सेविका बबीता देवी की संयुक्त शिकायत पर एसीबी ने यह कार्रवाई की। इन दोनों आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पोषाहार राशि का वाउचर जमा करने के नाम पर घूस मांगे जाने की शिकायत की थी। एसीबी ने पर्यवेक्षक को इटखोरी स्थित कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम महिला पर्यवेक्षक को अपने साथ हजारीबाग ले गई। G20 की वर्किंग शिक्षा समूह की अमृतसर में चल रही दूसरी बैठक के आज दूसरे दिन शिक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। G20 के शिक्षा वर्किंग समूह की अमृतसर में चल रही दूसरी बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दिन भर अलग अलग चरणों में शिक्षा के एजेंडे पर चर्चा होगी। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के कृष्णमूर्ति और IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा समेत अन्य शिक्षाविद और अधिकारी मौजूद हैं। बैठक को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस तीन दिवसीय बैठक की मेजबानी शिक्षा मंत्रालय कर रहा है।
स्टार्टअप के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2022 में 23 कंपनियों को न्यूकॉन का दर्जा दिया है, जो चीन की तुलना में कहीं अधिक है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2022 में 23 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला, जो चीन की तुलना में कहीं अधिक है। बीते वर्ष चीन में $1 अरब के मुकाबले वाले ऐसे स्टार्टअप की संख्या महज 11 रही। यह लगातार दूसरी बार है जब इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। IVCA बेनिन कंपनी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अब भारत में उच्च मूल्य वाली इन कंपनियों की संख्या 96 हो गई है। हालांकि इस वर्ष यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनियों की संख्या 2021 के मुकाबले लगभग आधी है। उस समय देश में 44 यूनिकॉर्न बने थे और उस वर्ष इनकी कुल संख्या 73 पर पहुंच गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 23 यूनिकॉर्न में से 9 शीर्ष 3 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों से है। ये बताता है कि वित्त पोषण अब छोटे शहरों में काम करने वाले स्टार्टअप को भी मिल रहा है। कुल वित्त पोषण में छोटे शहरों के स्टार्टअप को मिलने वाला वित्त पोषण 18% बढ़ गया है। इसमें कहा गया है कि 2022 में व्यापक आर्थिक अनिश्चितता और मंदी की आशंका बढ़ने से निवेश की गति प्रभावित हुई और देश में उद्यम पूंजी निवेश घट गया। प्रतिकूल परिस्थितियों के हावी होने से निवेश की गति साल की दूसरी छमाही में ज्यादा प्रभावित हुई। बेनिन कंपनी ने यह वार्षिक रिपोर्ट इंडियन वेंचर एंड ऑर्डिनेट कैपिटल एसोसिएशन के साथ मिलकर तैयार की है। इसमें कहा गया है कि घरेलू स्टार्टअप परिवेश में सौदे के मूल्य में 33% का संकुचन आने के बावजूद देश 23 यूनिकॉर्न जोड़ पाया है। बेनिन कंपनी में साझेदार अर्पण सेठ ने कहा कि आगे जाकर भी व्यापक आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियां वित्त पोषण को प्रभावित करेंगी, लेकिन 2023 में देश में और अधिक जुझारू परिवेश बनने की उम्मीद भी है। IVCA के अध्यक्ष रजत टंडन ने कहा कि उद्योग की दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाओं और अनिश्चितताओं को पार कर अवसरों की पहचान करने की उसकी क्षमता को लेकर हम आशावादी हैं। मोटे अनाज के उत्पादक किसानों और व्यापारियों के लिए यह साल अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अन्न वर्ष घोषित किए जाने के साथ देश में मोटे अनाजों के उत्पादन और निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट श्री अन्न वर्ष घोषित होने के साथ ही देश में मोटे अनाजों के उत्पादन, खपत और निर्यात की संभावनाएं तलाशने में सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया है। देश में श्री अन्न की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। दूसरे देशों ने भी इसके महत्व को समझा है। स्पष्ट है कि मांग के अनुसार आपूर्ति की जिम्मेदारी भी भारत की होगी, क्योंकि मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत अन्य देशों की तुलना में सबसे आगे है। श्री अन्न के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि केंद्रीय बजट में इसे प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव आते ही मोटे अनाजों के लिए विश्व बाजार की तलाश शुरू कर दी गई। केंद्र सरकार ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी, उसके संसाधन बढ़ाए। एपीडा ने भी तत्परता दिखाते हुए दो स्तरों पर काम शुरू कर दिया। उसने ऐसे 30 प्रमुख देशों की सूची बना ली है जो मोटे अनाज के बड़े आयातक हैं। साथ ही अपने देश के 21 राज्यों में उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना भी बना ली गई है। एपीडा ने एक कदम और बढ़ाते हुए श्री अन्न की खपत और कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए श्री अन्न ब्रांड का निर्माण किया है। रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व के अनुकूल श्री अन्न पर आधारित सैंपल और स्टार्टअप जुटाए जा रहे हैं, जो ज्वार, बाजरा, रागी एवं अन्य मोटे अनाजों से नूडल्स, बिस्किट्स, ब्रेकफास्ट, पास्ता, सीरियल मिक्स, कुकीज, स्नैक्स एवं मिठाइयां आदि बना सके, ताकि विश्व बाजार में निर्यात को बढ़ावा देने में सहूलियत हो सके। ऐसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के दौरान प्रचारित भी किया जाना है। कृषि मंत्रालय ने पहले ही ज्वार, बाजरा, रागी एवं कुट्टू जैसे मोटे अनाजों को पोषक घोषित कर रखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2026-27 तक बाजरा आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करने की योजना पर 800 करोड़ खर्च करने जा रहा है। भारत के मौसम के लिहाज से मोटे अनाज की खेती इसलिए भी अनुकूल है कि इसमें गेहूं एवं धान जैसी फसलों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भारत को मोटे अनाज का हब बनाना चाहते हैं। और अब कुछ नजर राज्य के विभिन्न जिलों की खबरों पर। रांची की श्रीहरि सत्संग समिति द्वारा कल झारखंड प्रदेश वनवासी विवाह उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 27 वनवासी जोड़ियों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम बरियातू स्थित आरोग्य भवन में रखा गया है। इस विवाह उत्सव का आयोजन कोलकाता के नीरा ब्रिजमोहन गडोदिया के विवाह की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है।
ये जानकारी समिति के संयोजक सतीश तुलसियान ने दी। राज्य के सभी जिलों के पात्र उम्मीदवारों के भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर के विभिन्न कोरों में बहाली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुला है। 1 अक्टूबर 2023 को 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वाले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के राजनांदगांव स्टेशन पर अब सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा, जो प्रयोग के तौर पर 21 मार्च से 6 महीने तक के लिए लागू रहेगा। ट्रेन संख्या 17007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन का राजनांदगांव स्टेशन पर 10:43 पर आगमन और 10:45 पर प्रस्थान होगा। वहीं ट्रेन संख्या 17008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का आगमन 7:56 पर एवं प्रस्थान 7:58 पर होगा। राजधानी रांची के खेलगांव में 6 से 8 अप्रैल तक झारखंड इमेजिंग एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस एक्सपो को लेकर कल आयोजकों द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य एवं झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन के सदस्यों ने पोस्टर का विमोचन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी द्वारा पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर किए गए हमले से जुड़े एक मामले में एनआईए की टीम ने कल 8 आरोपियों के घरों की तलाशी ली। ये जानकारी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के लिए अधिकारी ने दी। मालूम हो कि पिछले साल 4 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के झीलरुआ स्कूल के खेल मैदान में माओवादियों ने विधायक पर हमला किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। आद्रा डिवीजन के जीएम अर्चना जोशी ने महुदा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। धनबाद जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह ने जीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुरचियाडीह रेलवे क्रॉसिंग खोलने, महुदा स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करने, पुदगोड़ा में अंडरपास का निर्माण कराने सहित कई मांगे की गई हैं। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने अवैध मिनीगन फैक्ट्री के संचालन करने वाले 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल का सश्रम कारावास और 25,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बांग्लादेश के ढाका में 18 से 29 मार्च तक आयोजित सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चयनित भारतीय महिला टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ी शामिल हो गई हैं। इन खिलाड़ियों में शिवानी टोपनो, शाओलिना डांगा, अनिसा उरांव, बबीता कुमारी, विकसित बाड़ा, निसीमा कुमारी और ललिता बायपाल शामिल हैं। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सुपरवाइजर को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हजारीबाग की निगरानी की टीम सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। सुपरवाइजर की गिरफ्तारी के लिए सुबह में ही टीम इटखोरी पहुंची थी, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा देवघर में आयोजित सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट प्ले ग्रुप टूर्नामेंट के ग्रुप बी का तीसरा मैच केकेएन स्टेडियम में गढ़वा बनाम देवघर के बीच खेला गया। इस मैच में देवघर की टीम ने गढ़वा को 125 रनों से हरा दिया। देवघर टीम के कप्तान सुमन भारद्वाज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय और प्रज्वलित बिहार नामक संस्था की ओर से आज रांची में एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नागपुरी, मुंडारी और उरांव समेत अन्य संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रज्वलित बिहार संस्था के सचिव आरआर मेहता ने बताया कि राज्य की जनजातीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम झारखंड समेत अन्य राज्यों में किया जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड की संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी युवाओं को देने की दिशा में संस्था काम कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड की कला संस्कृति को बढ़ाने की दिशा में स्थानीय कलाकार काफी प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार का उचित सहयोग की जरूरत है। ये सारी चीजों की जानकारी आज के हमारे युवा पीढ़ी के लोगों को नहीं है, तो युवा पीढ़ी के लोगों को बताने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो है सरकार इस तरह की जो है योजनाएं तैयार करके आम जनों तक पहुंचाने के लिए संस्थाओं का सहयोग लेती है। गीत संगीत है, नृत्य है, जो गांव के आखरा पर जो है वो अपना प्रदर्शन करते हैं और पूरे गाँव वासियों को, अगल बगल वाले सारे लोग को वो मनोरंजन करते हैं, उनको बताते हैं अपने कला के माध्यम से, अपना नृत्य के माध्यम से, अपना गायन के माध्यम से, अपने वाद्य यंत्र के माध्यम से।
यही प्रमुख इनका उद्देश्य रहता है। बांग्लादेश के ढाका में 18 से 29 मार्च तक आयोजित सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चयनित भारतीय महिला टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ी शामिल हो गई हैं। इन खिलाड़ियों में शिवानी तोपनो, शिवलिंगा डांगा, अनिसा उरांव, बबीता कुमारी, विकसित बाड़ा, निसीमा कुमारी और ललिता बायपाल शामिल हैं। खेल सचिव मनोज कुमार और खेल निदेशक डॉ सरोजनी लकड़ा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खूंटी जिले में आगामी 19 मार्च से पहली बार राष्ट्रीय स्तर का हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। खूंटी के बिरसा कॉलेज परिसर और एसएस प्लस टू के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बने ब्लू स्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 9 राज्यों की 13 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। खूंटी में 19 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित होने वाले ईस्ट जोन राष्ट्रीय बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टूर्नामेंट में 9 राज्यों की कुल 13 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 273 प्रतिभागी, अंपायर और प्रशिक्षक शामिल हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इस टूर्नामेंट के होने की सारी तैयारियां हो रही है। इसमें खूंटी जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिरसा कॉलेज, हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया के सभी सदस्य काफी तत्पर से काम कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि खूंटी के बिरसा कॉलेज और एसएस प्लस टू के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ब्लू एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाया गया है, जिसमें टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक से जादू दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि खूंटी में पहली बार आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही इससे यहां खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हॉकी टूर्नामेंट है वो खूंटी जिले में इस पर इनिशिएट की जा रही है, और चूंकि खूंटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दो एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम बन चुके हैं, तो इसलिए जो जिला राज्य स्तरीय हॉकी संघ है वो भी यहाँ पे वो लोग आए थे और इन्होंने बताया था कि यहाँ पे टोटल सभी टीमें 17 टीमें यहाँ पे आने वाली है, और यहाँ पे एक 7 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से आ रहे खिलाड़ियों को भगवान बिरसा मुंडा की ऐतिहासिक जन्मस्थली का भी भ्रमण कराया जाएगा। क्योंकि ये लोग बाहर से आ रहे हैं और हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये बिरसा मुंडा की धरती भी है, तो उन्होंने ये भी रखा है कि वो एक दिन उलिहा को जरूर जाए और विजिट करें। खूंटी हॉकी एसोसिएशन के सचिव दशरथ महतो ने कहा कि हॉकी के लिए साल 1928 से ही खूंटी प्रसिद्ध रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूंटी के कई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। 1928 में जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारत ने ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। जयपाल सिंह 1928 में गोल्ड मेडल लेके भारत को स्वर्ण पदक दिलाए थे, और दूसरी बात कि बहुत से ओलंपियन भी हैं, लेकिन और एक गर्व की बात है कि निक्की प्रधान खूंटी जिले की ही है। खूंटी में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैच का आयोजन निश्चित रूप से जिले के लिए गौरव की बात है, और इस पूर्वी जोन के अंतर्राज्यीय हॉकी टूर्नामेंट को लेकर सभी उत्साहित हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह हॉकी टूर्नामेंट जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने और तरासने में मील का पत्थर साबित होगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की समाप्ति के बाद कल से वनडे क्रिकेट का आगाज हो रहा है। पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने के बाद अब तैयारी वनडे सीरीज को फतेह करने की है। पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की बात करें तो पहले मैच में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या कप्तानी करते नजर आएंगे। वहीं ओपनिंग में ईशान किशन सलामी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। भारतीय टीम कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी के साथ भी दिख सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि केएल राहुल भी पहला वनडे खेलते नजर आ सकते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां टीम की कप्तानी का भार स्टीवन स्मिथ के कंधों पर होगा। मिशेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े नाम टीम इंडिया के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। ऐसे में टीम काफी मजबूत दिख रही है। वहीं डेविड वार्नर का जुड़ना टीम को एक अलग ही रंग देगा। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने वानखेड़े के मैदान पर 19 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से 10 में उन्हें जीत मिली है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने यहां 4 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत मिली है और 1 मैच में हार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 143 वनडे मैच खेले गए हैं, इसमें से 53 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खाते में 80 जीत दर्ज है। 10 मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका है।
भारतीय सरजमी पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 64 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 29 मुकाबले जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 30। इस दौरान 5 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। कुल मिलाकर विश्व कप से पहले एक शानदार सीरीज सामने है, जहां जीत मनोबल को बढ़ाने वाली टॉनिक के रूप में सामने होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज दोपहर बाद राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और तेज हवा के साथ बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 3 दिनों तक रहने की संभावना है। तारीख है 17 तारीख को उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़ के बाकी भागों में ओलावृष्टि की संभावना बनती है। साथ साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। और बात करें तो 18 और 19 में लगभग कई स्थानों पे आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। साथ साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी आपको देखने को मिलेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर 34.9 और न्यूनतम 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विधानसभा में आज दूसरी पाली में अपने विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा का जवाब देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में 2019 से पहले हर घर नल जल योजना से मात्र 6% लोगों को ही पानी मिला था, लेकिन आज यह बढ़कर 32% हो गया है। उन्होंने कहा कि 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य पेयजल के लिए भूगर्भ जल पर निर्भर है। राज्य की मात्र 6 से 7 नदियां में ही सालों भर पानी होता है। हम पेयजल संकट को लेकर गंभीर हैं। विपक्ष के बहिष्कार के बाद सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेयजल विभाग के 4372 करोड़ रुपए की अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित किया गया। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन भी भाजपा विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर स्लोगन युक्त टी शर्ट पहनकर सदन में हंगामा किया और नारेबाजी की। भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू किया। माले विधायक विनोद सिंह ने सबसे पहले 15 सूत्री राज्य और जिला समिति वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक वित्त निगम के गठन नहीं होने का मामला उठाया। जवाब में मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और 15 सूत्री राज्य एवं जिला स्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर वक्फ बोर्ड का गठन कर लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने पर्कुलेशन टैंक की जगह सिंचाई के लिए डीप बोरिंग की योजना की स्वीकृति देने की मांग की। जवाब में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि वर्तमान बजट में डीप बोरिंग के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।